Hey guys, today I'm sharing a beautiful and easy technique of painting stones with watercolor. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 300 GSM की ब्रिस्टो की watercolor sheet. उसके ऊपर मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से सिंपल वाटर लेके उसको पूरी तरह से स्प्रेड कर दिया है. इससे हमें मतलब पूरी शीट को वेट कर देना है. उसके बाद मैंने एक राउंड ब्रश की हेल्प से वाटर कलर लिया है. सबसे पहले बर्न सियाना को हम कुछ इस तरह से स्प्रेड कर देंगे. उसके बाद हमने सेकंड कलर लेना है रॉ अम्बर को भी हम कुछ इस तरह से कुछ कुछ जगह पे स्प्रेड करते जाएंगे. उसके बाद हमने जो थर्ड कलर लेना है वो है रॉ सियाना को भी हमने ब्रश की हेल्प से इस तरह से कुछ कुछ जगह पे इफ़ेक्ट देने के लिए इस तरह ऐड कर देना है. रॉ सियाना अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप बर्न टम्पर में थोड़ा सा मस्टर्ड कलर डाल के इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. उसके बाद हमने ले लेना है एक सिंपल सॉल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं. उसको साइड्स पे हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे कुछ कुछ जगह पे. इससे थोड़ा सा एक नेचुरल लुक आएगा. जो सैंड लुक देना चाहते हैं हम लोग इसके ऊपर, वो इससे हमें काफ़ी अच्छा मिलेगा सॉल्ट की हेल्प से. तो इस तरह से हमने सॉल्ट को स्प्रेड कर देना है. उसके बाद हमने लेना है एक क्लिंग रैप. इसको इस तरह से शीट के ऊपर हमने बिछा देना है इस तरह से सेट करते हुए. अब हम इसको कुछ घंटों के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देंगे. कुछ घंटों बाद जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी शीट, तब हमने इसको क्लिंग रैप को हटाना है. ये चेक कर लेना है कि पूरी तरह से इसे ड्राई होना चाहिए. इसके लिए कुछ घंटे लगेंगे, 7-8 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपके वेदर पर. तो अब जब आप देखिए, अब ये पूरी तरह से मेरी शीट जो है वो ड्राई हो चुकी है और अब मैं इसको हटा रही हूँ क्लिंग रैप को. तो मैं अभी आपको क्लोज करके दिखाऊंगी कि किस तरह से इसमें आपको देखिए ये कुछ डायमंड की शेप में, कुछ ओवल की शेप में इस तरह के स्टोन्स के जो हैं वो इफ़ेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी स्टोन, नेचुरल स्टोन आपको बनाने में. तो आपको जहाँ पर भी स्टोन की शेप समझ आ रही है, आप वहाँ पर शेडो से शुरू करेंगे. शेडो के लिए हमने डार्क कलर लिया है. डार्क कलर लेके उससे हम जो ये लाइन्स हैं, गैप्स हैं, उनको थोड़ा थोड़ा फिल करते जाएंगे. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें ये समझ आता जाएगा कि स्टोन की शेप हमें ज़्यादा क्लियर कहाँ पे दिख रही है. और उसी तरह से हम हाइलाइटिंग और शेडिंग के थ्रू स्टोन्स को रियल इफ़ेक्ट देते जाएंगे. बीच में मैं थोड़ा सा रॉ अम्बर भी लूँगी, थोड़ा सा और डार्कर इफ़ेक्ट देने के लिए मैं अब उसको रॉ अम्बर भी यूज़ करूँगी. अब इस तरह से हम टिशू की हेल्प से जो हमें थोड़ा सा हाइलाइटिंग दिखानी है, उसके लिए हम टिशू यूज़ करते हुए कलर्स को थोड़ा सा उठा भी सकते हैं. इससे एक अच्छा सा एक इफ़ेक्ट आएगा, नेचुरल इफ़ेक्ट दिखेगा. टिशू की हेल्प से हम इसको कलर को, एक्स्ट्रा कलर को ऊपर से उठा लेंगे. देखिए इसी तरह डार्क कलर करते करते कितना सुंदर एक स्टोन का इफ़ेक्ट हमें आ रहा है. बिल्कुल रियलिस्टिक स्टोन हमें वो लग रहा है. हाइलाइटिंग और शेडिंग से हम धीरे धीरे लेयर्स लगाते हुए, क्योंकि हमें काफ़ी लेयर्स यूज़ करनी पड़ती हैं रियलिस्टिक दिखाने के लिए, इस तरह से हम करते जाएंगे. अब मैंने लिया है थोड़ा सा वाइट कलर से हमें जहाँ पे लाइटिंग दिखानी है वहाँ पे हम वाइट कलर का यूज़ करते हुए इस तरह से हाइलाइटिंग शो करेंगे, जो कि एक स्टोन को बहुत ही रियल लुक देने के लिए ज़रूरी है. इस तरह से कुछ कुछ जगह पे एक ही डायरेक्शन से लाइट दिखाते हुए हम वाइट यूज़ करते हुए स्टोन्स को एक फिनिशिंग टच देते जाएंगे. और अब थोड़ा सा मैंने ब्लैक मिक्स करके बर्न सियाना में इस तरह से लाइंस को थोड़ी और डेप्थ
दी है, जिससे कि और ज़्यादा बिल्कुल नेचुरल लुक आए। डेप्थ के लिए हमें थोड़ा और डार्कर कलर यूज़ करना है। पूरा ब्लैक हम नहीं ले रहे, मिक्सिंग के साथ ही ले रहे हैं। बर्न सियाना या आप बर्न टेम्पर के साथ भी ब्लैक को थोड़ा मिक्स करके इस तरह से शेडो का जो हमारा पार्ट है उसको कलरिंग कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये आपको एक स्टोन का इफेक्ट दे रहा है। इसी तरह से लेयर्स पे लेयर्स लगाते हुए कलर्स की हम और अच्छा इफेक्ट देते जाएंगे। स्टोन्स की जो वेन्स होती हैं उसको हम इस तरह से डार्क कलर से थोड़ा थोड़ा शो करते जाएंगे। अब हमने वाइट कलर लेके थोड़ा और वाइट स्टोन के ऊपर इफेक्ट देना है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी वेन्स बनाते जानी है स्टोन्स की। ड्राइंग में आपको बस एक ही चीज़ ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने परफेक्शन की तरफ जाते जाएंगे। इस तरह से वाइट का इफेक्ट देते हुए अच्छे से हाइलाइटिंग इसको शो कर दी है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन से लाइट आते हुए दिखानी है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि हाइलाइटिंग किस तरफ से आ रही है और शेडो कहाँ से हम शो कर रहे हैं। तो हमने वाइट कलर लेके वेन्स शो करनी है स्टोन्स की, पतली पतली लाइनें बनाते हुए। शेडिंग में मैंने कई जगह पे थोड़ा सा मजेंटा कलर भी यूज़ किया है, जहाँ पे मैंने डार्क कलर के साथ उसे मिक्स करके यूज़ किया है। आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बर्न सियाना और बर्न अम्बर से ही आप ब्लैक से शेडिंग दे सकते हैं। बस आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है कि शेडिंग एक ही डायरेक्शन से हो, मतलब जो लाइटिंग आ रही है वो आपको एक ही तरफ से दिखनी चाहिए। आपकी स्टोन पेंटिंग बनके तैयार है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट